दोस्तों आपने ये रील इंस्टाग्राम पर देखा होगा, ये साउंड बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पर। और इस साउंड पर अगर आप भी अपना एक वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है आपका वीडियो भी वायरल हो जाए, बिकॉज ये साउंड वायरल है, सो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा है, बिल्कुल वैसी एडिटिंग आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो नमस्ते गाइस, आई एम सुमन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेक टॉक विद सुमन रावत। लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस वीडियो को बनाना सिखाऊंगी मैं आपको वीएन एप्लीकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वीएन एडिटर में मैं आपको ये वीडियो बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसानी से आप ये वीडियो बना लेंगे। वीएन एप्लीकेशन गाइस आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बता रही हूँ आपको, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। अब गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक वीडियो क्लिप चाहिए जो कि अच्छे से रिकॉर्ड करा हुआ हो, क्वालिटी अच्छी हो, वीडियो अच्छा हो। आपका वीडियो अगर अच्छा रहता है तो आप एडिटिंग करने के बाद वीडियो आपका बहुत ही बेहतर बनता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा, कुछ इस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट करने के लिए नीचे प्लस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है एंड सीजर आइकॉन पर क्लिक करके आप आ जाएंगे अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में और यहाँ से वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे एंड नीचे राइट हैंड कॉर्नर से आपको फॉरवर्ड कर लेना है आगे अपने एडिटर के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्लिप है, इसको आपको डिलीट कर लेना है एंड ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 9.16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस, आपको म्यूज़िक ऐड कर लेना है। म्यूज़िक के लिए गाइस फुल रील वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी एंड टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गाइस, आपको लिंक ओपन करना है, डायरेक्टली आप उस रील पर पहुँचेंगे। आपको सेव टू गैलरी कर लेना है उस रील को। जब आपकी फ़ोन गैलरी में सेव हो जाता है रील, तब आप रील से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए गाइस यहाँ पर सबसे ऊपर टैप टू ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ गाइस, म्यूज़िक पर आएंगे और यहाँ से माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ टर्म्स ओके करना है। ओके, अब वो रील ले लेना है जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया है। नाउ गाइस, यहाँ से सेव कर लेना है। अब दोस्तों, माय म्यूज़िक के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे, अगेन माय म्यूज़िक के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे और आ जाते हैं अपने म्यूज़िक लिस्ट में। यहाँ पर आपको ढूंढना होगा कि म्यूज़िक कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हमारा म्यूज़िक ऐड हुआ है। ये आप फ़ोन गैलरी में ही देख लें कितने सेकेंड का है। जैसे कि ये रील 0.11 सेकेंड का है, तो सेकेंड्स आपको अगर पता होंगे तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आपको यूज़ के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, नाउ गाइस डन कर लेना है और म्यूज़िक ऐड हो जाता है। दोस्तों, आपको अपने वीडियो को एडजस्ट कर लेना है अगर सही से स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं है तो। और सबसे पहले अपने वीडियो की जो नॉर्मल स्पीड है उसको आपको स्लोमो में कन्वर्ट करना है। तो मेरा जो वीडियो है वो ऑलरेडी स्लोमो में है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। इसके लिए गाइस, आपको नीचे फिफ्थ ऑप्शन स्पीड का मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ रेगुलर के ऊपर आना है। रेगुलर के ऊपर आके गाइस, जैसे कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है 1x है, तो आपको यहाँ पर बैक करना है और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देख लें कितना स्लोमो आपको सही लगता है। तो ये आपको बैक कर लेना है और नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। मेरा जो वीडियो है ऑलरेडी सही है, तो मैं 1x में अगेन कर लेती हूँ एंड डन कर लेती हूँ। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद आपको म्यूज़िक तक अपने वीडियो को रखना है और स्प्लिट कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट इसका डिलीट कर लेना है। ओके, अब हम म्यूज़िक को सुन लेते हैं। टू पार्ट में डिवाइड करना है बिकॉज हमें अपनी वीडियो को। तो म्यूज़िक सुनने के बाद मैं बीट सेट करूँगी वीडियो की एंड आपको बताऊँगी ड्यूरेशन आप क्या रखेंगे। ओके, ओके, तो मैं ट्रिमिंग कर चुकी हूँ एंड अब आपको बताती हूँ कि आप ड्यूरेशन क्या रखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसकी ड्यूरेशन आपको 5.85 सेकंड रखनी है। ओके, बस यही ड्यूरेशन है, यही आपको याद करनी है। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपका म्यूज़िक तक ही रहेगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वीडियो पहले ब्लरी आता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, वायरल वीडियो में।
तो हमें ब्लरी कैसे करना है इस वीडियो को ये जानते हैं। तो ब्लरी करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ राइट हैंड की तरफ स्वाइप करेंगे, यहाँ बिजी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ गाइस इमेज के ऊपर आपको आना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डन कर लेंगे। ओके, इतना आपको करना है, डन करेंगे। इसके बाद आपको अपनी फिंगर को स्क्रीन पर मूव करना है और मूव करके इसको यहाँ से हाइड कर लेना है इस वीडियो को। ओके, इस तरह से हाइड कर लेंगे। इसके बाद अगेन हमें बीजी पे जाना है, यहाँ से जो ब्लरीनेस है उसको आपको कम करना है, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो इतना ब्लरी है, ज़्यादा ब्लरी नहीं है, यानी कि आप 8 इतनी ड्यूरेशन रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। ओके, 7 या 8, डन कर लें। ओके, तो इस तरह से गैस आपको ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है इसमें। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेकंड वीडियो के ऊपर आएंगे एंड यहाँ थर्ड ऑप्शन मिलता है नीचे एफएक्स का, एफएक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको जो एक्सपेंड वाला एफएक्स है इसको अप्लाई करना है। यहाँ तक 0.50 सेकेंड ही रखें और डन कर लें। इस तरह से आपका जो वीडियो है वो इस तरह से बनेगा, आपने देखा होगा। ओके, तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ओके, तो इस तरह से गाइस आपका वीडियो बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड करा है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि थोड़ी बहुत एडिटिंग आप कर लेते हैं, थोड़े से एफर्ट ऐड कर लेते हैं, तो वीडियो आपका बहुत ही अच्छा बनता है। अब गाइस इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, सेव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको करना है, तो नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के ट्रेंडिंग वायरल साउंड्स पर मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।